जी सर, मैं मस्त राम जाखू में रहता हूँ वाली टील में। यहाँ पे एक बंदर है जिसको कि रस्सी बंधी हुई है, जो कि मैं डीएफओ साहब को 10-15 दिनों से कंटिन्यूस फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। मैंने न्यूज़पेपर में भी दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मेरी डीएफओ साहब से ये निवेदन है कि वो जाखू में आके इस बंदर को पकड़ के इसकी रस्सी खोली जाए और इस बंदर को इस दर्द से मुक्ति दी जाए। सर, कितने दिन से आप देख रहे, जैसे बताया आपने अभी, और एग्जैक्टली रस्सी कैसे बंधी है इसको? सर, मुझे लगता है कि ये जंगल में कहीं कड़क्की के द्वारा कहीं बंदर फंसा हुआ है, और इसको मैं कम से कम आज से 10-15 दिन पहले से इसको कंटिन्यू में देख रहा हूँ बंदर को, कि इस दर्द में तड़फ रहा है, इसके बहुत बुरे हाल हैं, जो कि मरने वाला है अगर इसकी रस्सी ना खोली जाए तो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा है कि वो बहुत बार यहाँ पे आ चुकी है, और जैसे कि आपका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पे नहीं आया है। सर, सब बकवास है, कोई नहीं यहाँ पे आता, कोई भी नहीं यहाँ पे आया हुआ, और हम जो है इसको कंटिन्यूस जो है देख रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट वाले आते तो हमारे से बात करते यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट वाला नहीं आया हुआ है। हम वाला ठिलहिल जाखू में रहते हैं, मंदिर के पास यहाँ एक बंदर है जिसके पेट में रस्सी बंधी है। हमने फॉरेस्ट वालों को इतने फ़ोन किए, यहाँ कोई नहीं आया। हम चाहते हैं कि उस बंदर के पेट से रस्सी निकाली जाए, ताकि बेचारे को मुक्ति मिले, आराम मिले दर्द से। यहाँ कोई नहीं आ रहा। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं कि हम इधर आते हैं, इनको गोली मारते हैं, तो पिंजरा लगाते हैं, पर यहाँ कोई नहीं आता है ना। हमने हमारे से किसी ने पूछा कि पिंजरा लगाए, और सारा दिन ये बंदर ये वायलेट हिल में ही होता है। हम यहाँ वायलेट हिल कोठी जाखू में रहते हैं, और यहाँ पर एक बंदर है जो कि लगभग 2 महीने से यहाँ पर इसी रस्सी बंधी हुई है, और यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी इन्फॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर आए और इस बंदर की जो रस्सी बंधी हुई है वो निकाले, और इसे दर्द से मुक्ति मिले। थैंक यू।